हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द सुनामी, हनीड्यू बुक ग्रेड 8 से। हमारे यहाँ इंडिया में आपने सुना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ये इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ते हैं। अंडमान में एक आइलैंड है जिसका नाम है कच्छोल। निकोबार में भी एक आइलैंड है जिसका नाम है ननकौरी। ये जो कच्छोल और ननकौरी है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से लगभग 100 मील की दूरी पर है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि हमने कहा इंडिया के वेस्ट साइड में आते हैं, तो जो निकोबार आइलैंड्स हैं, वो अंडमान के नॉर्थ साइड में पड़ते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें सुनामी का जिक्र हुआ है। सुनामी क्या है? सुनामी एक बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर लहर है जो समुद्र में जब भूकंप आता है उसकी वजह से उठती है। ये एक ऐसी लहर है जो बहुत भयंकर तबाही लाती है। हम इस चैप्टर में जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, वो 26 दिसंबर 2004 की है, जब सुनामी नाम की लहर थाईलैंड से टकराई और कुछ हिस्से इंडिया के, जिसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आते हैं और तमिलनाडु का कोस्टल एरिया जो है वो शामिल है, उनसे ये सुनामी लहर टकराई थी। उस दौरान जिन लोगों ने साहस दिखाया, जिन लोगों को मौका मिल पाया कि वो अपनी जान बचा सके, उन लोगों के द्वारा बताई गई कहानियां हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो जानवर है, क्या इन्हें आभास हो जाता है कि सुनामी आने वाली है? कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे जानवर को ये पता लग जाता है कि कुछ आपदा आ रही है और जिसकी वजह से वो उस जगह से हटने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ ऐसी स्टोरीज भी बताई गई हैं जिससे आपको इस बात का पूरी तरह से पता चलेगा। अभी जो हम स्टोरीज की शुरुआत कर रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है उनमें से एक स्टोरी बताई जा रही है। इग्नेसियस नाम का एक मैनेजर था जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता था कच्छोल की। सुबह सुबह 6 बजे उनकी वाइफ ने उनको उठाया क्योंकि उनको ऐसा लगा जैसे भूकंप का झटका आया है। तो इग्नेसियस ने क्या किया, उसने बड़े संभाल के जो टीवी था उसे टेबल से हटा के नीचे जमीन पर रख दिया ताकि वो जो है झटके से गिर के टूट ना जाए। और उसके बाद पूरे का पूरा परिवार जो है वो दौड़ के घर से बाहर निकल गया। जब ये जो झटके थे ये थोड़े से बंद हुए, तभी उन्होंने देखा कि समुद्र की जो लहरें हैं वो उठनी शुरू हो गई है। अब चारों तरफ इतना कंफ्यूजन था, इतनी परेशानी हो रही थी कि जैसे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है वैसा हो गया था। तो उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ के फादर के और माँ की ब्रदर के जो हाथ थे उनको पकड़ा हुआ था और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे, पर फिर इग्नेसियस उन्हें कभी नहीं देख पाया। उनकी वाइफ जो है उन्हें भी जो सुनामी की लहर थी वो बहा ले गई। बस खाली 3 बच्चे जो उसके साथ आ गए थे सिर्फ वो ही बच पाए। इसी तरह से एक संजीव नाम का पुलिसमैन था जो कि कच्छोल आइलैंड में, जो कि निकोबार ग्रुप का है, उसमें जो है काम कर रहा था। कैसे तैसे उसने अपने को भी बचाया, अपनी वाइफ को भी बचाया और अपनी जो छोटी सी बच्ची थी उसको लहरों से बचा लिया। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से उसे सुनाई दी कि जो जॉन थे, जो कि उस गेस्ट हाउस के कुक थे, उसकी वाइफ जो है वो जोर जोर से चिल्ला रही है मदद के लिए। संजीव पानी में कूद गया उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ, दोनों के दोनों बह गए। इसी तरीके से 13 साल की मेघना, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, और लगभग 77 लोग और होंगे जो साथ में लहरों के बह गए। पर ये जो मेघना थी 13 साल की, ये 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। एक लकड़ी का दरवाजा मिल गया होगा, उसके ऊपर ये 2 दिन तक समुद्र में तैरती रही। लगभग 11 बार उसने देखा कि वो जो हेलीकॉप्टर जो रिलीफ के लिए आते हैं, रेस्क्यू के लिए आते हैं, वो ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसको किसी ने नहीं देखा। जैसे कहते हैं ना, लहरें किनारे पे लाकर छोड़ देती हैं, ऐसे ही उसको भी लहरों ने किनारे पे लाकर छोड़ दिया। और फिर वो बदहवास सी बस जो किनारा था समुद्र तल का उस पे घूमती हुई नजर आई। अलमाज जावेद जो है वो लगभग 10 साल का था। वो या कह सकते हैं अलमाज जावेद जो है वो एक लड़की थी जो 10 साल की थी और वो कार्मट कॉन्वेंट जो कि पोर्ट ब्लेयर में है वहां पर पढ़ती थी। उनके फादर का वहां पर एक पेट्रोल पंप था। उनकी जो मदर राहिला थी
उनका घर जो है वो ननकौरी आइलैंड में था, तो जो परिवार था वो सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस को वहां गया हुआ था। जब सुबह सुबह भूकंप के झटके आए तो पूरा परिवार जो है वो सो रहा था। अल्माज के जो फादर थे उन्होंने देखा कि जो समुद्र का पानी है वो जिधर होना चाहिए उससे पीछे जाता जा रहा है, तो उनको समझ में आ गया कि ये जो पानी है अब ये पीछे से जब आगे आएगा तो बहुत तेजी से आएगा। उन्होंने जल्दी से सबको उठाया और कोशिश करी कि सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाए। जब वो लोग भाग रहे थे तो उनके जो दादाजी थे उनके पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से सिर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गए। उनके फादर जो है एकदम से मदद के लिए दौड़े और तभी जो है वो बड़ी ऊंची सी जो विशाल लहर थी वो आ गई और दोनों को बहा कर ले गई। अल्माज की जो मदर थी और जो बाकी आंट थी वो जो है जो नारियल का पेड़ होता है उसकी जैसे पत्तियों को पकड़ के कस के जो है अपने आप को संभाले हुए थी और वो जो है उसको आवास लगा रही थी। लेकिन हुआ क्या, पेड़ भी जो है वो लहरों की वजह से उखड़ गया और वो भी जो है उस पानी में बह गई। अल्मा देख रही थी कि जो लकड़ी का लट्ठा है वो बह रहा था, वो उस पे एकदम से चढ़ गई लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो गई। जब उसकी नींद खुली तो वो हॉस्पिटल में थी कमोटा के, और फिर वहां से उसको पोर्ट ब्लेयर पे लाया गया। वो जो बच्ची थी वो उस हादसे के बारे में ना तो जिक्र करना चाहती थी ना किसी से बात करना चाहती थी। जैसे कहना चाहिए इतना बड़ा हादसा आपकी आंखों के सामने हो गया है तो एक दिल पर इतना गहरा प्रभाव पड़ जाता है कि आज भी वो बच्ची जो है अपने पूरे होशो हवास में नहीं आ पाई है। उसके दिल में जो सदमा है वो अभी भी बैठा हुआ है। आप सोच सकते हो कि इस तरह का हादसा, इस तरह का क्या कोई भी अगर हादसा होता है तो इंसान के मन में या दिल में ऐसा वो घर कर लेता है कि लाख कोशिश करो वो आंखों से हटता नहीं है। बहुत समय लगता है अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए। हमारी ये जो अगली स्टोरी है ये टिली स्मिथ की स्टोरी है, जो कि एक ब्रिटिश की स्कूल गर्ल थी या ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी कह सकते हैं। उसने क्या किया, जब ये सुनामी फुकेत में थाईलैंड में टकराए है उससे पहले इसने बहुत लोगों की जान बचा ली। इसको काफी अवार्ड्स भी मिले थे पर इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया कि इसका इंटरव्यू लिया जाए या इसको हीरोइन बना दिया जाए। अब इसने ऐसा क्या किया जिससे ये सुनामी से लोगों की जान बचा पाई और क्या ऐसा हुआ जो इसको इतने अवार्ड्स मिले, ये हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में।